ग्राम रहट गांव में शुक्रवार सुबह बारातियों ने ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया। इसमें 15 लोग घायल हो गए। हमले के समय लोग अपने घरों में सो रहे थे। बारात में आए करीब 30 से 40 लोगों ने धारदार हथियारों से घर में घुसकर हमला किया। हमले के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 2 महिलाओं सहित 10 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रहट गांव के जब्बार शाह की बेटी के निकाह में खिरक्रिया तहसील के ग्राम मोरगढ़ी पीपर पानी से गुरुवार को बारात आई थी। रात में ही बारात विदा हो गई थी। इसमें आए 30 लोग गांव में ही अपने रिश्तेदारों के ठहर गए थे। उन्होंने शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे पुरानी रंजिश के चलते बाराती व स्थानीय रहवासियों ने घर घर जाकर लोगों से मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही रहट गांव थाना प्रभारी मनोज के दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। घटना में करीब 15 लोग घायल हुए, जिनमें से 10 लोगों को तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसका जबरा से आ गया। बारात आए, बारात में से लोग रुक गए और कम 40-50 जनों ने हम पे सुबह में हमला करे। सब अलग अलग घर वाले हैं, हम पे अलग अलग जाके इन्होंने वार करे, लकड़ी से तलवारों से मारे हैं। हमारे तरफ से 15 जने घायल हैं, अभी 8 जने भर्ती किया है, 8 जने भी उधर ही हैं सर जी रेड गाँव में। ये हमारे पुराने रंजिश के वजह से झगड़ा हुआ है सर जी, तो आपसी की बात नहीं है। पुराने रंजिश से इन्होंने हम पे वार किया है। पीपल पानी के लोग को बुला के हमारे यहाँ के खिरास से, इसुपसिया और निसार से इन्होंने बाहर के लोग को बुलाकर हमको मारे हैं सर जी। सोए में मारे हमको। अगर जगते हुए मारते तो बात अलग था, हम बच जाते, भग लेते, लेकिन सोए में मारे हैं। ये सुबह 5:30 बजे हुआ सर जी। तो